हेलो बच्चों, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखते हैं। अब हम बात आती है भाई पढ़ क्या रहे थे हम लोग। मोशन की इक्वेशंस तो हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। वो कैच करने वाली प्रॉब्लम भी मैंने बताई कि भाई पीछे से बॉय भाग कर आ रहा है, आगे से बस चलती है, कोई साइकिल चलती है या कोई ट्रक चलता है। यार बहुत सारी प्रॉब्लम कराई, अब तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए वो सारी प्रॉब्लम। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इन्हें हम लोगों को समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों, चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट हमारे पास में और कैसे हम लोग इसे बनाएंगे। बच्चों प्रॉब्लम है कि अ कार इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। सडनली द ड्राइवर सीज ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड एंड टेक्स 0.4 सेकेंड अप्लाई द ब्रेक। द ब्रेक कॉजेज अ डी एक्सिलरेशन ऑफ दिस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। देखो यार ऐसा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बड़ा ही यूनिक और सटीक तरीका है। वो क्या है कि जैसे सिचुएशन आपको यहां दे रखी है, अपने आप को बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन में इमेजिन करो। ये सिचुएशन क्या है भाई, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूं 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लो कि मैं अपनी स्कूटी लेकर आ रहा हूं। मैं देखता हूं कि यार रास्ते में कोई बच्चा आ गया मेरे सामने, या कुछ और कोई कुछ और आ गया, यार कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नहीं, कोई बालक हमारे सामने आ गया। अब जैसे ही हमने बालक को देखा, हमने एकदम से अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए। अब क्या ऐसा होगा कि ब्रेक लगाते ही मेरी गाड़ी एकदम से रुक जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ब्रेक लगाऊंगा और ब्रेक लगाने के 1, 2, 3 या 4, 5 सेकंड के बाद जाकर मेरी गाड़ी रुकेगी। तो हमें यह बताना है कि आपने जो ब्रेक लगाए उसके बाद में जब आपकी गाड़ी जाकर रुकी तो उसने डिस्टेंस कितना चला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई बच्चों कैसे हम लोग करेंगे भाई, ये रही हमारी कार, स्कूटी नहीं कार मान लो यार, ठीक है। ये हमारी कार है यहां पर, ठीक। अच्छा, हमारी कार की जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। या ये रास्ते में आया ऑब्स्ट्रक्शन, ये रास्ते में कुछ रुकावट आ गई। आ गई कुछ रुकावट? जैसे ही रास्ते में कुछ रुकावट आई, हमारे ड्राइवर ने यहां से देखा, ये हमारा ड्राइवर है, इसने देखा यार रास्ते में कुछ रुकावट आ गई, तो इसने क्या किया, ब्रेक लगाए। लेकिन जब तक ये ब्रेक लगाता, जब तक ब्रेक इफेक्टिव प्रभाव में आते, तब तक हमारी गाड़ी इतनी आगे बढ़ चुकी थी बच्चों। तब तक हमारी जो गाड़ी है वो इतनी आगे बढ़ चुकी थी, यानी इसने जब रुकावट को देखा तब गाड़ी यहां थी, और जब इसने ब्रेक लगाए, देखो देखो यार देखने में और लगाने में फर्क होता है। जब इसने गाड़ी को देखा, मतलब जब इसने किसी रुकावट को देखा, तब हमारा व्हीकल यहां था बच्चों, था ना व्हीकल हमारा यहां। लेकिन जब इसने ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने में कुछ ना कुछ टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड। वो टाइम हम लोगों को दिया गया है 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड में जब इसने ब्रेक लगाए तो उतने टाइम में हमारी गाड़ी इतनी आगे बढ़ चुकी थी, यानी 0.4 सेकंड में इसने ब्रेक लगाए तो गाड़ी हमारी इतनी आगे बढ़ चुकी है बच्चों। यानी ब्रेक लगने यहां से स्टार्ट हुए, ना कि यहां से। जब ये यहां था तो इसने रुकावट को देखा, देखते ही ब्रेक लगाए। ब्रेक लगने जब स्टार्ट हुए वो यहां से लगने स्टार्ट हुए, यहां से लेकर यहां तक इतना हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। होप सो कि आप लोग समझ रहे हो। गाड़ी की स्पीड है 15 और ब्रेक लगने में टाइम लगता है 0.4। तो देखते हैं कि जब ब्रेक लगने स्टार्ट हुए उतने टाइम में हमारी गाड़ी कितनी आगे बढ़ चुकी है। 15 × 0.4 × 6 मीटर, यानी जब तक ड्राइवर ब्रेक लगाता हमारी गाड़ी 6 मीटर आगे निकल चुकी थी बच्चों। सुपर प्रॉब्लम, बिल्कुल 6 मीटर हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी है। समझ आ रही बात? अब आप ये देखिए, यहां हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है। फाइनली हमारी गाड़ी को रेस्ट में आना है, रुकना है। जब हमारी गाड़ी फाइनली रेस्ट में आएगी, रुकेगी, तो वी होगा 0, ये 15 कहलाएगा यू, और डी एक्सिलरेशन यानी रास्ते में जो डी एक्सिलरेशन हुआ, डी एक्सिलरेशन का मतलब होता है माइनस, माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हुआ 5।
ब्रेक लगने यहां से स्टार्ट हुए, फाइनली हमारी गाड़ी रेस्ट में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनली गाड़ी को रेस्ट में आना है और यू की वैल्यू 15 है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? अपने दिमाग पर जोर डालो बच्चों। और मैंने बताया था कि जब फाइनली ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रेस्ट में आ जाए, हम मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। चलिए मोशन की थर्ड इक्वेशन को यहां अप्लाई करते हैं। मोशन की थर्ड इक्वेशन होगी बच्चों वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। v की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 खत्म हो जाएगा, माइनस u की वैल्यू है 15, ठीक है, a की वैल्यू है माइनस के 5 और साथ में है x, सो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10x और यहां आएगा माइनस के 225, कैंसिल आउट, x की वैल्यू आएगी 22.5 मीटर। लो भाई बात सुनो ध्यान से, यानी ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने इतना चला 22.5 मीटर, और ब्रेक लगाने के दौरान जब वो ब्रेक लगा रहा है उसमें भी तो यार टाइम लगता है ब्रेक लगाने में, ये तुम रजनीकांत हो कि एकदम से लगाओगे और ठप से गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी, झपाक से गाड़ी एकदम से रुक गई, ऐसा थोड़ी होगा। यहां से ब्रेक लगाए तो 22.5 मीटर चल के हमारी गाड़ी रेस्ट में आ गई, और ब्रेक लगाने के दौरान गाड़ी ने चला 6 मीटर, तो कुल मिलाकर जब से ड्राइवर ने ऑब्स्टेकल देखा है, जब से ड्राइवर ने ऑब्स्टेकल देखा है और गाड़ी हमारी रुकी है, देखने से लेकर रुकने तक 22.5 और 6 28.5, हमारे व्हीकल ने 28.5 मीटर की डिस्टेंस चली है बच्चों। ये हमारा पूरे क्वेश्चन का आंसर है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको सिर्फ 10% समझ आया होगा, मैं सिर्फ 10% मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। पहले आप इसे जल्दी से नोट डाउन करिए। हाँ तो भाई बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या है प्रॉब्लम, जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक, अ कार इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, सडनली द ड्राइवर सीज द साइन ऑफ डेंजर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, आफ्टर अ सर्टेन रिएक्शन टाइम, यानी ब्रेक लगाने का टाइम, सामने देखा डेंजर है 50 मीटर दूर, तो तुरंत ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने में जो उसे टाइम लगा वो इतना टाइम लगा, टी नॉट रिएक्शन टाइम, ठीक है। ही अप्लाइज द ब्रेक टू कॉज डी एक्सिलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल रिएक्शन टाइम टी नॉट टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। देखो भाई, पहले प्रॉब्लम को आप लोग समझो ध्यान से। प्रॉब्लम यह है कि कार की जो लोकेशन है वो ये है बच्चों, कार की लोकेशन यहां पर है स्टूडेंट, कार हमारे पास में यहां है, कार की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट, बिल्कुल कार से 50 मीटर की दूरी पर, कार से 50 मीटर की दूरी पर, यहां से 50 मीटर की डिस्टेंस पर रास्ते में एक रुकावट है, एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर यहां, ये ड्राइवर बैठा हुआ है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर देखता है यार रास्ते में तो रुकावट है, चलो जल्दी से ब्रेक मारते हैं। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया ना बच्चों, तो हमारी गाड़ी यहां से रिटार्ड होनी स्टार्ट हो गई, यानी गाड़ी ने जो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, ये 20 की स्पीड से ही करी है, ब्रेक लगाने इसने यहां से स्टार्ट किया, और जो ब्रेक प्रभाव में आए हैं, ब्रेक ने काम करना यहां से स्टार्ट किया, यानी वो जो हलचल होती है ना कि सामने आंखों ने डेंजर का सिग्नल देखा, पैरों ने ब्रेक लगाए, उस दौरान कार हमारी इतनी आगे जा चुकी थी, जब हमने ब्रेक लगाने स्टार्ट किए उस दौरान कार इतनी आगे बढ़ चुकी थी। अब आप देखो स्पीड कितनी है 20, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम का मतलब है कि वो जो ब्रेक लगाने का टाइम है वो टी नॉट है, यहां से लेकर यहां तक जाने में टी नॉट टाइम लगा, स्पीड है 20, टाइम है टी नॉट, तो ये जो डिस्टेंस अपने पास में हो गई बच्चों, ये हो गई 20 टी नॉट,
कितनी हो गई 20 टी नॉट। यहां से हमारे ब्रेक लगने स्टार्ट हो गए, यहां गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, यहां से ब्रेक लगने स्टार्ट हो गए और मान लेते हैं कि यहां पहुंचकर हमारी गाड़ी फॉर एग्जांपल रेस्ट में आ गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, रास्ते में जो रिटार्डेशन हुआ अपना, रास्ते में जो अपना रिटार्डेशन हुआ उसकी वैल्यू है माइनस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो ये बताओ कि यार मेरी बात को तुम समझ भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। यहां जब गाड़ी का ड्राइवर था तब तो इसने डेंजर का सिग्नल देखा और ब्रेक लगाए, जब तक ये ब्रेक को लगा पाता तब तक गाड़ी इतना आगे बढ़ चुकी थी। यहां से ब्रेक लगने स्टार्ट हुए और गाड़ी धीरे 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 रेस्ट में आनी स्टार्ट हुई और मान लेते हैं कि बिल्कुल डेंजर सिग्नल के बगल में जाके बिल्कुल हल्के से मार्जिन पर, बिल्कुल जीरो मार्जिन पर गाड़ी हमारी यहां जाकर रुक गई। तो देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना अपना होगा। U की वैल्यू है 20, V की वैल्यू है 0, रिटार्डेशन है -5, तो हम लोग लगाएंगे 0 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, A की वैल्यू है -5, साथ में है x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, भाई ये आ जाएगी 40 मीटर। बात को ना समझिएगा बच्चों, 40 मीटर ब्रेक लगने से लेकर गाड़ी के रुकने तक गाड़ी ने 40 मीटर चला और ये कितना चला था 20 टी नॉट, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी 50। देखो उसने कहा मैक्सिमम टाइम कितना होगा, मैक्सिमम रिएक्शन टाइम कितना होगा। मैं कहूंगा यार अगर मैक्सिमम टाइम चाहिए ना तो आप ये मानकर चलो कि गाड़ी बिल्कुल इसके बिल्कुल बगल में जाकर रुकी है, यानी ये डिस्टेंस हो गई 40, ये डिस्टेंस हो गई 20 टी नॉट। आप 20 टी नॉट और 40, 20 इतना है 40 इतना है, दोनों को ऐड करके 50 के इक्वल रख दो बच्चों, तो हमारे पास में बनेगा 20 टी नॉट ध्यान से प्लस 40 इज इक्वल टू 50। सो 20 टी नॉट इज इक्वल टू 10, टी नॉट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। लो भाई ये कंडीशन रहेगी बच्चों अपने पास में, 0.5 सेकेंड इतना मैक्सिमम रिएक्शन टाइम रहेगा, यानी आधा सेकेंड लगेगा ड्राइवर को डेंजर सिग्नल देखकर अपने पैरों से ब्रेक लगाने में। समझ आ रही बात, यानी जब तक वो कुछ सोच समझ पाता तब तक गाड़ी इतनी आगे बढ़ चुकी थी। अरे अरे होता है ना यार, जैसे ही तुम कुछ खतरा सामने देखते हो, डेंजर देखते हो, या अपने आप तुम्हारी गाड़ी इतनी ऑटोमेटिक है कि एकदम से रुक जाती है, ऐसा होता है क्या? जैसे ही तुम डेंजर देखते हो तो तुम्हारे हाथों से ब्रेक दबते हैं स्कूटी के, तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगता होगा ना, उस दौरान गाड़ी इतना आगे बढ़ चुकी होती है। तो यहां से लेकर यहां तक तो कोई स्पीड में चेंज नहीं आया था, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, स्पीड हो गई 20 और रिएक्शन टाइम है टी नॉट, रिएक्शन टाइम टी नॉट में गाड़ी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में इतनी। मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाई तो डिस्टेंस निकली 40, दोनों को ऐड करके 50 के इक्वल रखे हमने टी नॉट की वैल्यू निकाली बच्चों, जो निकल कर आई है 0.5 सेकेंड, यानी इतना रिएक्शन टाइम, मैक्सिमम रिएक्शन टाइम हमारे पास में रहने वाला है बच्चों। इतने टाइम में मैक्सिममली हम लोग रिएक्शन करेंगे, यानी डेंजर सिग्नल देकर ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों, ठीक है? अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा बच्चों। अब देखो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये रही कंडीशन भाई, क्या है क्वेश्चन जरा देखो। ए पार्टिकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी हैज वेलोसिटीज यू एंड वी एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो भाई देखो हम प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं। देखो यार ये है इनिशियल पॉइंट मेरे पास में ए, ओके ध्यान से, यहां इसकी वेलोसिटी है यू, ठीक। ये है मेरे पास में फाइनल पॉइंट बी, यहां इसकी वेलोसिटी है वी। रास्ते में जो एक्सीलरेशन हुआ है वो हुआ है ए, वैसे हमें दे नहीं रखा है ए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मान लिया और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैंने माना एक्स। ये कंडीशन है भाई मेरे पास में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आप देखो बच्चों, हमने इसके साथ साथ बीच में एक मिडिल पॉइंट माना है और मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी को हमने माना वी डैश,
और ए से लेकर मिडिल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो इस पूरी डिस्टेंस का आधा हो जाएगी एक्स अपॉन टू। समझ आ रही बात? और रास्ते में एक्सिलरेशन तो इतना है ही हमारे पास में, अब हम क्या करेंगे और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो सबसे पहले हम मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन ए और बी, हम ए और बी के बीच में मोशन की थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी। एक्सिलरेशन क्या है? ए। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स। तो हमारी कंडीशन बनेगी बच्चों फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। लो भाई ये इक्वेशन हमने ए से लेकर बी तक लगाई है। अब बिल्कुल यही इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं ए और एम के बीच में। ए और एम के बीच में ए क्या है? ये वाला पॉइंट। एम क्या है? ये मिडिल पॉइंट। जरूरी है बच्चों समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए है स्टार्टिंग का पॉइंट, एम है मिडिल पॉइंट। यानी ए और एम में ए हो गया इनिशियल और एम हो गया फाइनल। यहां की वेलोसिटी वी डैश का स्क्वायर माइनस ए इनिशियल पॉइंट है यहां का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर। एक्सिलरेशन कितना है? ए ही है। पूरे रास्ते में एक्सिलरेशन ए है। अगर पूरे रास्ते में एक्सिलरेशन ए है तो इतने हिस्से में भी एक्सिलरेशन कितना होगा? ए। और डिस्प्लेसमेंट है एक्स अपॉन टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने पहले तो क्वेश्चन को समझ लें आप लोग, प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है कि ए वाले पॉइंट पर वेलोसिटी यू है, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी वी है, मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये बताना है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। उसने हमें सिर्फ इतना कहा कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, तो हमने एक काम किया एक्सिलरेशन को ए मान लिया, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस को मान लिया एक्स, एम को मिडिल पॉइंट माना जहां पर हमें वेलोसिटी बतानी है और उस पॉइंट की वेलोसिटी को माना वी डैश। आसान शब्दों में कहूं तो एक बार हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन को अप्लाई किया है बिटवीन ए बी और एक बार मोशन की हमने इक्वेशन को अप्लाई किया है बिटवीन ए एम। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये समझना है। ये टू से ये टू कैंसिल आउट। भाई ये काम करते हैं बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन से, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, या दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, सेकंड वाली को ऊपर रखते हैं, फर्स्ट वाली को नीचे रखते हैं। तो ये बनेगा वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। इसको रखेंगे ऊपर, इसको रखेंगे नीचे, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट, ये बनेगा हमारे पास में 1/2। क्यों भाई, आया समझ में बच्चों? अब हम क्या करेंगे जरा समझिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये बनेगा वी डैश स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस के यू स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर। सो वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये हमारी मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी होगी बच्चों। सबसे पहले मोशन की थर्ड इक्वेशन को अप्लाई किया बिटवीन ए बी, फिर हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन को अप्लाई किया बिटवीन ए एम। मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी हम पहले ही मान चुके हैं वी डैश, क्योंकि वही तो हम लोगों को निकालना है मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। और अगर एम मिडिल पॉइंट है तो ए एम की डिस्टेंस हो जाएगी एक्स बाय 2, क्योंकि पूरी डिस्टेंस मैंने एक्स मानी है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, रिजल्ट आपके सामने है बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों यहां से। ठीक है भाई, चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो ये हमारे पास में इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, क्या कहता है। मैंने आप लोगों से यार बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल तो है, देखो कोई भी काम आसान तो होता नहीं है।
और जब आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स को चुना है, केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी को चुना है, तो आप एक योद्धा की तरह काम करना पड़ेगा, तुम लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, उन पर और ध्यान लगाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। किसी चीज़ से भाग कर काम नहीं चलने वाला है बच्चों, कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो चलो स्किप कर जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं चलने वाला है। मुझसे पढ़ लो या कहीं और पढ़ लो या कुछ भी कर लो आप लोग, ये सारी चीज़ें करनी तो पड़ेंगी हम लोगों को, बिना करे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सामने ये है। प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे ये समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज क्या है और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इसका ए पार्ट जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, ये बी पार्ट है इसका। चलिए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इफ़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम ए टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज टू टाइम्स दैट फ्रॉम द मिड पॉइंट ए बी टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी अपॉन यू। हमें वी अपॉन यू की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो यहां हमें एक पॉइंट दिया है ए, ओके बच्चों, यहां हमें एक पॉइंट दिया गया है बी। मैं आप लोगों को आसान लैंग्वेज में डेटा बता रहा हूं, डेटा क्या है। ए वाले पॉइंट पर जो स्पीड दी गई है वो है यू, और बी वाले पॉइंट पर जो स्पीड दी गई है वो है हमारे पास में वी। बच्चों समझ आ रही है बात। यहां कहीं हमारे पास में है मिड पॉइंट स्टूडेंट, ये हमारे पास में मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट की स्पीड को माना है वी डैश। हालांकि मिड पॉइंट की स्पीड ऑलरेडी मैं पहले ही फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को निकलवा चुका हूं बच्चों, लेकिन इस बार हम लोगों को कुछ अलग बात बतानी है। वो क्या है वो समझना है। यहां से लेकर यहां तक का जो एक्सीलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है बच्चों, और उसकी वैल्यू है ए। यहां से लेकर यहां तक जाने में लगता है 2t टाइम, और यहां से लेकर यहां तक जाने में लगता है t टाइम। ये पूरा डेटा जो मैंने आपके सामने बनाया है ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाया है। उसने ये कहा है कि ए पॉइंट से मिडिल पॉइंट तक जाने में इसके कंपैरिजन में डबल टाइम लगता है, यानी यहां अगर t टाइम लगेगा तो डेफिनेटली यहां 2t टाइम लगेगा बच्चों। तो हमें बताना है फाइनल स्पीड यानी v, इनिशियल स्पीड कहे या वेलोसिटी कहे u, इन दोनों का रेशो कितना रहने वाला है। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग रेशो बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है, उसका टर्म हमने आपके सामने बनाया है, आप लोग अच्छे से लैंग्वेज को पढ़कर ध्यान से इस टर्म को इमेजिन करिए कि सिचुएशन क्या है। इनिशियल पॉइंट ए, ए पॉइंट पर जो स्पीड है वो है यू, बी पॉइंट है फाइनल पॉइंट, यहां स्पीड या वेलोसिटी है अपने पास में बचो वी। समझ आ रही है बात। इसके बाद की कंडीशन क्या है ये हम लोगों को समझनी है स्टूडेंट। ए से लेकर एम तक जाने में, एम से बी तक जाने की कंपैरिजन में डबल टाइम लगता है, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो हम लोग क्या करेंगे ये आप लोगों को समझना है। हम पहली इक्वेशन अप्लाई करेंगे ए से लेकर एम तक। जब ए से लेकर एम तक हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे बच्चों, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इतना टाइम लग रहा है, इतना एक्सेलरेशन है, तो मैं लिखूंगा वी डैश इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टू टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ रही है बात। U को इधर लेकर आ जाते हैं तो बनेगा v डैश माइनस के u इज इक्वल टू 280। ये है भाई हमारे पास में इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में बन चुकी है, और ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को हमने अप्लाई किया है a के और m के बीच में। बचो a और m के बीच में हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। फाइनल वेलोसिटी है v डैश, इनिशियल है u, एक्सीलरेशन है a, और यहां से लेकर यहां तक जाने में लगता है 2t टाइम। तो हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v डैश माइनस के u इज इक्वल टू 280। अब हम बच्चों मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को, भाई एक बार तो a से और m के बीच, यानी ये जो इक्वेशन हमारी बनी है ये a और m के बीच हमने अप्लाई की है, अब यही इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं a और b के बीच में।
सेम इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं ए बी के बीच, तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी भाई। जब हम यही इक्वेशन यानी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को ए बी पर अप्लाई करेंगे, फाइनल क्या है वी, इनिशियल क्या है यू, एक्सीलरेशन क्या है ए, ए से लेकर बी तक अप्लाई करना है, यहां से लेकर यहां तक जाने में 2t टाइम, यहां से यहां जाने में t टाइम, तो पूरी जर्नी में कितना टाइम लगेगा, ए से लेकर एम तक जाने में 2t, एम से लेकर बी तक जाने में टी, तो पूरा ए से लेकर बी तक जाने में लगने वाला है 3t टाइम। तो मैं लिखूंगा बच्चों वी इज इक्वल टू यू प्लस एक्सीलरेशन और यहां आएगा 3t। हम बनाएंगे v माइनस के u इज इक्वल टू 380 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन हम लोगों ने अप्लाई करी है बच्चों ए बी के बीच और ये इक्वेशन हम लोगों ने अप्लाई करी है ए एम के बीच। अब हम क्या सिचुएशन बनाएंगे ये आप लोगों को देखना है। एक काम करते हैं भाई, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में v डैश माइनस के u इज इक्वल टू 280, सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में v माइनस के u 380। समझ आ रही है बच्चों बात? ये फर्स्ट इक्वेशन हमने कहाँ अप्लाई करी, a और m के बीच में। ये सेकेंड इक्वेशन हमने कहाँ अप्लाई करी, a और b के बीच में, a इनिशियल और b फाइनल। डिवाइड किया तो ये कंडीशन बनी, 80 से 80 कैंसिल आउट, ये बना हमारे पास में 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट अपने पास में बनेगा बच्चों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये बनेगा 3v डैश माइनस के 3u 2v माइनस के 2u। इस 3u को ले जाते हैं इक्वल टू से उधर, सो 3v डैश इज इक्वल टू 2v प्लस 2u, सॉरी ये माइनस के 2u है भाई, माइनस के 2u प्लस के 3u, सो 3v डैश इज इक्वल टू ये 2v 3u, 3u में से 2u माइनस करेंगे 2v प्लस u, ठीक है, और ये 3 पहुंच जाएगा इसके अपॉन में बचो, तो हमारे पास में बनेगा v डैश इज इक्वल टू 2v प्लस के u डिवाइडेड बाय 3। लेकिन हम लोगों को ये नहीं निकालना था बच्चों, ये जो वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने निकाली है, क्या v डैश हमें निकालना था? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो v और u का रेशो निकालना था। वो रेशो हम लोग कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं आगे, लेकिन पहले अब स्पेस हमारे पास में नहीं बचा है, इतना आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमने कैसे इक्वेशन को अप्लाई किया। पहले हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया है a और m के बीच में, फिर हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया है a और b के बीच में। हमारे पास में दो इक्वेशंस बनी, हमने दोनों को डिवाइड किया, ये कंडीशन हमारे पास में बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट निकला बच्चों हमारे पास में v डैश इक्वल टू 2v प्लस u डिवाइडेड बाय 3। अब मैं यहां से आगे बनाता हूं कंडीशन। v डैश क्या है बच्चों? v डैश मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी है ना, मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी। समझ आ रही है बच्चों बात? मैंने जो इससे पहला पोर्शन आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, उसमें मैंने मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी कितनी निकाली थी। देखो यार, अभी जो मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली है वो निकाली है ये 2v प्लस u डिवाइडेड बाय 3। इससे पहले मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने निकाली थी वो ये निकाली थी। हमने बहुत मामूली सा काम किया स्टूडेंट, और वो क्या है मामूली वाला काम? वो काम ये है कि हमने v डैश b वाले पार्ट में तो ये निकाला, a वाले पार्ट में हम लोगों ने ये निकाला था। हम लोगों ने एक काम किया, हमने इस v डैश को इसके इक्वल रख दिया, क्योंकि मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी इसके भी बराबर है, हम फर्स्ट पोर्शन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। चलिए अब इन दोनों को आपस में इक्वल रख के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अंडर रूट को हटाकर यहाँ स्क्वायर बनाते हैं, तो ये बनेगा अपने पास में 2v प्लस यू अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। चलिए ये बना 4v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u इंटू 2v
और 3 का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 9। इधर है हमारे पास में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये बनेगा 8v स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये बनेगा 2u स्क्वायर, 2 × 2 4uv, मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 8uv, 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 9v स्क्वायर और ये बनेगा 9u स्क्वायर। लो भैया ये रिजल्ट अपने पास में बच्चों यहाँ तक बना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ आई होगी, कोई बहुत बड़ी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी बच्चों। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। भाई हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, सॉल्व करने के लिए इस पूरे टर्म को इक्वल टू से उधर ले जाते हैं। 9v स्क्वायर में से 8v स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बचेगा v स्क्वायर, 2u स्क्वायर को 9v स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7u स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 8uv = 0। लो बच्चों ये सिचुएशन मेरे पास में बन रही है, वी स्क्वायर प्लस 7u स्क्वायर माइनस के 8uv, यानी थोड़ा सा अगर हम लोग इसे सॉल्व करके सही करके लिखें तो हमारे पास में कुछ ऐसा रिजल्ट बच्चों बन रहा है, वी स्क्वायर माइनस के 8uv प्लस 7u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी प्लस करने पर तो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 7u स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, प्लस करने पर तो क्या आए, 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 7u स्क्वायर आए। कैसे करेंगे जरा देखते हैं, हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू प्लस 7u, यहाँ है वी, यह है 7u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने फैक्टर किया बच्चों, सो वी स्क्वायर माइनस के uv माइनस के 7uv प्लस के 7u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, हमने v को कॉमन लिया तो अंदर बचा v माइनस u, हमने यहाँ से माइनस के 7 को कॉमन लिया तो हमारे पास में बचा, ध्यान से ज़रा, हमने यहाँ से कॉमन लिया है माइनस के 7u को, अंदर हमारे पास में बचेगा v माइनस u इज इक्वल टू 0। हमारे पास में दो कंडीशंस बची बच्चों, v माइनस के 7u इज इक्वल टू 0, v माइनस के u इक्वल टू 0। अरे फैक्टर करने तो यार आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर बच्चों सीखे ही हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। स्टार्टिंग की दो इक्वेशन बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन जब आपने दोनों इक्वेशंस को तैयार कर लिया उसके बाद कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके बाद तो बहुत ही आसान काम है। भाई जब हमने ये वाली इक्वेशन तैयार कर ली तो इस इक्वेशन को इसके बराबर रखना कोई मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। बॉस साइड का स्क्वायर करके हम लोगों ने कैलकुलेशन करने स्टार्ट की, हम लोग कैलकुलेशन को करते गए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ आकर हम लोगों ने फैक्टर करना स्टार्ट किया। अब ये कोई नंबर तो है नहीं खाली कि भाई कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग सॉल्व कर देंगे, यू और वी के टर्म में है तो इतना मुश्किल नहीं है, कर पाओगे आराम से। मल्टीप्लाई करने पर इतना है, ऐड करने पर इतना है। जब हम लोगों ने इसके फैक्टर किए तो रिजल्ट ये मिला। देखो अगर सेकेंड इक्वेशन को जीरो के बराबर रखेंगे वी और यू बराबर आ जाएगा और वी और यू का रेशो होगा 1:1। लेकिन v और u बराबर नहीं हो सकते हैं बच्चों। क्यों नहीं हो सकते हैं थोड़ा सा समझिए, v और u के बराबर होने का मतलब यह है कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड बिल्कुल बराबर है, यानी एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो कह रखा है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसीलिए ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होगी। v माइनस u इक्वल टू 0 होने का मतलब यह है कि v की वैल्यू u के बराबर है, फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर है, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक क्वेश्चन में कह रखा है कि एक्सीलरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन प्रॉब्लम की लैंग्वेज को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ये आंसर तो हो नहीं पाएगा। v इक्वल टू हो जाएगा 7u और v और u का रेशो निकालेंगे तो हमारे पास में बनेगा क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा बच्चों v अपॉन u इज इक्वल टू 7:1, v अपॉन u इज इक्वल टू 7:1। ये रिजल्ट हमारे पास में बनेगा बच्चों।